जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ादी जैम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, संजीवनी सीरीज लेकर आया है सुपर फास्ट रिवीजन ITI के फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए MCQs। साथियों, तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें साथियों, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म योगी की तरह डाला जाता है? साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। साथियों, यह रिवीजन क्लास ITI के CBT एग्जाम देने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जिससे कि आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी जबरदस्त और कितनी अच्छी प्रकार से हो रही है या हो गई है। साथियों, तो क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों, बिटू मीन्स योगित, बिटू मीन्स योगित। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, भूमिगत केबल में वेंडिंग का क्या उद्देश्य है? भूमिगत केबल में वेंडिंग का क्या उद्देश्य है साथियों? तो क्या उद्देश्य है साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना राइट आंसर को छाप दीजिए साथियों, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल न कीजिए साथियों। तो क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साथियों, धात्विक कवच को संरक्षा से बचाना, धात्विक कवच को संरक्षा से बचाना। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, अब विस्तृत में पढ़ना चाहते हैं साथियों, तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट को चेकअप कीजिए साथियों, वहाँ पर विस्तृत में सारे डिटेल्स में पढ़ाए गए हैं साथियों। यह MCQs सॉल्व कराए जा रहे हैं साथियों। तो प्रश्न बोला जा रहा है, भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है साथियों? तो क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों, लूप टेप, लूप टेप। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या दर्शाता है साथियों? यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या दर्शाता है साथियों? क्या दर्शाता है साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर राइट आंसर को छाप दीजिए साथियों। क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में हुआ ग्रुपों में भी शेयर किया कीजिए साथियों। तो क्या हो गया साथियों राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साथियों, प्रत्येक चालक का व्यास क्या होगा? प्रत्येक चालक का व्यास। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है साथियों? एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को छाप दीजिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों, 35 mHo मो प्रति मीटर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारण क्या है? केबल की अधिक अतिरिक्त धारा
शिक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है साथियों? तो क्या है साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, 0.81 0.81 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, फेज का चालक की तुलना में साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलिए साथियों। राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, फेज चालक से आधा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, इस औजार का क्या नाम है साथियों, इस औजार का क्या नाम है साथियों? डायग्राम पर आधारित अधिकांश प्रश्नों को सीबीटी एग्जाम में टच किया जा रहा है साथियों, तो अधिक से अधिक डायग्राम वाले प्रश्नों को सर्व किया कीजिए साथियों। तो क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, क्लिपिंग टूल। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन की। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है साथियों? तो राइट आंसर को फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, 4.55 mm। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, यह क्लास सुपर फास्ट रिवीजन इस क्लास में कराया जा रहा है साथियों, जिससे कि सीबीटी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन हो सके साथियों। आप अपने आप को परखने के लिए सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को जरूर ज्वाइन करें साथियों, जिससे कि आपको यह अनुमान लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है या हो रही है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, वाहनों की बॉडी के सुरक्षा हेतु शोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है साथियों? वाहनों की बॉडी के सुरक्षा हेतु शोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, ज्वाला के साथ शोल्डरिंग, ज्वाला के साथ शोल्डरिंग। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, गुठे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है, गुठे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है साथियों, क्या लाभ है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों यारों में भी शेयर करते रहिए साथियों। यह क्लास सुपर फास्ट रिवीजन के लिए बनाया गया है, जिसमें कि आप लोग अपने आप को परख सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी तरह से हुई है या अभी तक हो रही है साथियों। आप इस क्लास से अनुमान लगा सकते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, अधिक लचीला। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न,
16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है? यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है? यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है साथियों, तो क्या होगी साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, 13 एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न साथियों, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है साथियों? तो क्या है साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। क्लास को अधिक से अधिक ग्रुपों में, फ्रेंडों में, और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करने में कंजूसी ना कीजिए साथियों। यह क्लास सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर बनाया गया है साथियों, जिसमें कि आप अपने आप को परख सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी बेस्ट और कितनी अच्छी तरह से हो रही है साथियों। तो क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों, कुल्लाम। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है साथियों? सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है साथियों? तो इस विधि का क्या नाम है साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। क्या नाम है साथियों, तो क्या होगा साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों, सोल्डरिंग आयरन। देखिए वैसे तो आंसर के में प्रश्न इनके प्रश्न के राइट आंसर को गलत किया गया साथियों, वहाँ पर जो आंसर के दिया गया साथियों सोल्डरिंग गन दिया गया है, तो ये सोल्डरिंग गन तो होगा ही नहीं साथियों, इसलिए सोल्डरिंग आयरन है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है साथियों? विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है साथियों? तो फटाफट कमेंट को कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को कमेंट करना न भूले साथियों। तो क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, EMF इक्वल विभवांतर प्लस वोल्टेज पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है साथियों? केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है साथियों? तो क्या है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, 1.23 राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। क्या हानि है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, कम लचीलापन लॉस फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, नेक्स्ट चलते हैं, कम लचीलापन
लूज फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो है प्रश्न बोला जा रहा है साथ में, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों, क्या नाम है साथियों, क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, क्या नाम है, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है साथियों, तो क्या कारण है साथियों, राइट आंसर को फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट में छाप दीजिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। अपर्याप्त ऊष्मन, नेक्स्ट चलते हैं साथियों, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए, क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। कम पाठ्यांक, लो रीडिंग, ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, क्लास को अधिक से अधिक ग्रुपों में हुआ फ्रेंड को शेयर करना न भूलें साथियों, यह क्लास सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर है साथियों, जिसमें कि आप अपने आप को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन जबरदस्त हो रही है साथियों। अत्यधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है साथियों, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है साथियों, तो क्या है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। पुनः तार बांधने योग फ्यूज इकाई, पुनः तार बांधने योग फ्यूज इकाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को छाप दीजिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, बेयर कंडक्टर्स। तो आज के लिए इतना ही साथियों, यदि आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है साथियों, तो अधिक से अधिक फ्रेंडों और यारों को शेयर करना ना भूले साथियों, यह क्लास सुपर फास्ट रिवीजन MCQs के तौर पर चलाई जा रही है साथियों, जिसमें कि आप रख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त और कितनी बेस्ट तरीके से हो रही है साथियों। यदि आप अभी तक हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं साथियों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ITI से रिलेटिव अप्रेंटिसशिप जॉब अनेकों प्रकार से छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।